नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी अपने साथ जुड़ सकें। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडायनामिक्स सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे। इसमें हमने जो पढ़ा है वो कार्नोट साइकिल पढ़ा है। कल की क्लास तक हमने कार्नोट साइकिल का नेट वर्क फाइंड आउट किया था और उसके द्वारा हीट अब्जॉर्ब, टोटल जो हीट अब्जॉर्ब की है वो निकाली थी। कल की क्लास में हमने जो पढ़ा वो कार्नोट साइकिल की W निकाला। हमारा जो W निकल के आया था वो आया था R T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V। और कल हमने Q2 की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। Q2 जो फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला था, Q2 जो हमारा था वो RT2 ln V2 अपॉन V1। Q2 क्या था? सोर्स। क्या था Q2? सोर्स से जो हीट अब्सॉर्ब की जाती है। हीट इंजन क्या है? हाई टेम्परेचर के सोर्स से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, कुछ वर्क करता है और रिमेनिंग एनर्जी लो टेम्परेचर के सिंक को देता है। हीट इंजन क्या है? दो हीट रिजर्वर के बीच में काम करता है। एक सोर्स होता है, इससे यह एनर्जी लेता है और रिमेनिंग एनर्जी सिंक को देता है। ये दो हीट रिजर्वर हैं, इनके बीच काम करता है। सोर्स के टेम्परेचर हाई होता है और इसका टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है। आपका ये T2 जो टेम्परेचर था ये किसका था? सोर्स का टेम्परेचर था। और T1 टेम्परेचर जो था वो सिंक का टेम्परेचर था, यही था। और इससे जो वर्क किया जाता है, इस वर्क की तो वैल्यू हमारे पास जो निकली है वो RT2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1 की फॉर्म में निकली है, ठीक है। सोर्स की जो एनर्जी, इससे कौन सी एनर्जी ली इसने? Q2 एनर्जी ली, ये वर्क किया और रिमेनिंग क्या हुआ? माइनस Q1 एनर्जी इसको दे दी। माइनस साइन का मतलब इसने एनर्जी दी है, प्लस का साइन का मतलब इसने एनर्जी ली है। तो टोटल एनर्जी Q क्या होती है? Q2 माइनस Q1। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग भाई इसने इतनी ही तो एनर्जी वर्क की फॉर्म में काम में ली है, तो ये एनर्जी वो है जो किसमें कन्वर्ट हुई है? वर्क में। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी को न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसने क्या किया है? Q2 एनर्जी ली है, कुछ काम किया और बची हुई एनर्जी सिंक को दे दी। तो बची हुई एनर्जी की वैल्यू हमें पता है Q1 है। जो इसने अब्सॉर्ब की है वो एनर्जी हमें पता है Q2 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो ये वर्क करेगा। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? Q2 माइनस Q1, और वो किसके इक्वल होती है? W के इक्वल। इतनी चीजें आपको मैंने बता दी थी। आज हम निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन और इस एफिशिएंसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करोगे वहां डेफिनेट आते हैं। इस तरीके के कार्नोट साइकिल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप IIT जैम का एग्जाम दो, आप BSc के बाद, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन,
एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, पहले तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। किसी भी इंजन के द्वारा अब्सॉर्ब्ड हीट का वो पार्ट जो वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है क्या कहलाती है, उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। दोबारा सुन लो, किसी भी इंजन के द्वारा अब्सॉर्ब्ड हीट का वो पार्ट जो वो वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है वो क्या कहलाती है, उसके लिए एफिशिएंसी कहलाती है। तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या हो गई, हीट द फ्रैक्शन ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड कन्वर्ट इनटू वर्क इज नोन एज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। द फ्रैक्शन ऑफ अब्सॉर्ब्ड हीट दैट इज कन्वर्ट इनटू वर्क, जो कि वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है वो क्या कहलाती है, हीट इंजन की एफिशिएंसी कहलाती है। किसी भी इंजन के द्वारा अब्सॉर्ब्ड हीट का वो पार्ट जो वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ अब्सॉर्ब्ड हीट दैट इज कन्वर्ट इनटू वर्क, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ अब्सॉर्ब्ड हीट जो कि किसमें कन्वर्ट हो रही है, वर्क की फॉर्म में, इक्विवेलेंट वर्क is known as efficiency of heat engine. It is denoted by नीटा। किससे डिनोट किया जाता है इसको, नीटा से लिखा जाता है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है नीटा का, वर्क डन बाय द इंजन अपॉन में हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। नीटा क्या है, उसके द्वारा वर्क डन बाय द सिस्टम अपॉन हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। हमने इंजन के लिए कार्नोट साइकिल की बात की थी, उसके लिए हमने W की वैल्यू निकाल रखी थी। W हमारा क्या था, R T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1। इस इक्वेशंस को नंबर दे दूं मैं 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, और Q2 की वैल्यू भी बेटा हमने निकाली थी R T2 ln V2 अपॉन V1, ये इक्वेशन नंबर थी। ये दोनों हमने कार्नोट साइकिल से निकाला था, ये तो टोटल वर्क था, और ये हमने फर्स्ट स्टेप में जो ये कहा था कि हीट इंजन जो है वो Q2 एनर्जी अब्सॉर्ब करता है फर्स्ट में, और कौन सा वर्क किया था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो वर्क हुआ था। आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क में जो आपका माइनस W1 आया था वो किसके इक्वल था, Q2 के इक्वल, और उसकी वैल्यू ये थी RT2 ln V2 अपॉन V1, आपको याद आ गया होगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज पुट द वैल्यू ऑफ W एंड Q2, पुट द वैल्यू ऑफ W एंड Q2 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इंटू इक्वेशन 1। W और Q2 की वैल्यू 2 और 3 इक्वेशन में से कहां वैल्यू पुट करूंगी मैं, एक इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। देखो क्या आएगा, नीटा W की वैल्यू रखू मैं, क्या है R T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1 अपॉन Q2 की वैल्यू क्या है,
आर टी टू एल एन वी टू अपॉन वी वन, आर टी टू एल एन वी टू अपॉन वी वन। क्या क्या कैंसिल आउट हो गए बेटा? आर कैंसिल आउट हो गया, एल एन वी टू अपॉन वी वन से एल एन वी टू अपॉन वी वन कैंसिल आउट हुआ। तो नीटा की वैल्यू हमारी यहां से क्या निकल के आई? टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू। एक तो नीटा की वैल्यू ये निकल के आई है, ठीक है। अब हम देखो इसको Q की फॉर्म में भी एनर्जी निकालेंगे। देखो मैंने अभी बोला कि जो इसके द्वारा जो वर्क किया गया है ना W, वो क्या क्या कि इसने Q2 एनर्जी अब्सॉर्ब की है और Q1 एनर्जी सिंक को दे दी। तो इसके द्वारा जो वर्क किया गया है उसकी वैल्यू, जो W की वैल्यू है वो क्या आई? इन दोनों जो हीट है उनका डिफरेंस ही तो आया। तो W की वैल्यू मैं Q2 की फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा अपने पास? इसकी दूसरी फॉर्म दिखा रही हूं मैं आप लोगों को, देखो W जो हो गया वो हुआ है, मैंने ये कहा Q2 एनर्जी ली है इसने और Q1 एनर्जी सिंक को दे दी। तो W वर्क जो हुआ है वो क्या हुआ? Q2 माइनस Q1, यही हुआ। तो नीटा की वैल्यू क्या आ गई? नीटा था W अपॉन Q2, पुट करो W की वैल्यू, W क्या है? Q2 माइनस Q1। तो नीटा क्या आ गया? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। नीटा की हमारे पास दो तरीके की वैल्यू होती है, याद रखना। एक नीटा जो होता है वो टेम्परेचर की फॉर्म में होता है, T2 माइनस T1 अपॉन T2। ये वैल्यू होती है इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। ये एक रिलेशनशिप निकल के आ गया। तो नीटा क्या कह रहा है, किस बात पे डिपेंड कर रहा है? उनके टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ सोर्स सिंक और सोर्स के टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, उसके वर्किंग फ्लूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कार्यकारिणी जो द्रव भरा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये तो केवल और केवल सोर्स और सिंक इन दोनों के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो क्या होगा? द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिपेंड ऑन द temperatures of source and sink. The efficiency of heat engine की efficiency जो है वो sink और source के temperature difference पे depend करती है, not depend on the working fluid. Not depend on the working fluid. Does not depend on working fluid. यहां तक आ गया समझ में कि नीटा जो है देखो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, उसके उसके अंदर कौन सा फ्लूड भरा हुआ है क्या है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कार्यकारिणी द्रव के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सोर्स और सिंक के बीच का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगी।
यहां से देखो हम नीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। एक बात और, नीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो मैं इस टी टू को डिवाइड करूं तो ये क्या होगा वन, तो ये क्या बना टी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू, यही बना। देखो ये वन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो नीटा की वैल्यू क्या आई, वन माइनस टी वन अपॉन टी टू। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि नीटा ऑलवेज लेस देन वन, क्या होगा नीटा की वैल्यू हमेशा वन से कम होगी या 100% नहीं होगी। यदि हम परसेंट में भी निकालेंगे नीटा की वैल्यू तो 100% कभी भी नहीं होगी नीटा की वैल्यू। और यही क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, केल्विन के अकॉर्डिंग ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जिसमें कि वो जितनी हीट ले वो सारी की सारी वर्क फॉर्म में चेंज हो जाए। यदि वो सारी वर्क फॉर्म में चेंज हो जाती तो हमारा नीटा जो निकल के आता वो 100% नीटा आता। दूसरी बात, ये जो हीट कार्नोट जो इंजन बना है, बाकी के सब जो हम कार्नोट थ्योरम पढ़ेंगे वो इसी में है, क्योंकि कार्नोट इंजन जो था वो कौन सा था, रिवर्सिबल इंजन। और हमें पता है कि हमने जब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ी थी तो हमने बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस से जो वर्क होता है उस वर्क की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो ये कार्नोट थ्योरम को हम आगे स्टडी करेंगे, कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग भी यही है कि हीट कार्नोट साइकिल से जो वर्क किया गया है या उसकी जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा होती है। उस एफिशिएंसी से नीचे नीचे हीट इंजन्स बनते हैं, क्योंकि ये जो एफिशिएंसी निकाली गई ये आइडियल कंडीशंस में एफिशिएंसी निकाली गई है। इसमें हमने क्या कहा था कि वो प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि जब हमने प्रोसेस पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो आइडियल प्रोसेस ही होती है, मींस उसको हम लेबोरेटरी फॉर्म में करना इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसा इंजन बनाना भी इम्पॉसिबल है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस पे काम कर रहा हो। तो इसमें जो कार्नोट साइकिल है वो केवल आइडियल हीट इंजन है कार्नोट साइकिल, और उसके जो द्वारा जो वर्क किया गया है वो भी मैक्सिमम है, और उसकी एफिशिएंसी जो निकलती है वो भी मैक्सिमम है। उसके अलावा जो हीट इंजन्स है उनकी एफिशिएंसी हमेशा कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी से कम होती है। ठीक है, अब हम इसी के ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स करते हैं। मुझे केवल ये ही फॉर्मूला चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। देखो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा लें, क्योंकि आपके पेपर में भी आपको कई बार एफिशिएंसी पूछी, इंजन की दक्षता समझाओ और उसके बाद उसके साथ न्यूमेरिकल दे देता है। देखो एक न्यूमेरिकल है, एक रिवर्सिबल कार्नोट इंजन जिसका 180 किलो जूल पर साइकिल वर्क किया गया है, तो W की वैल्यू दी हुई है। देखो आपको जो दिया हुआ है वो सुन लो आप पहले, एक रिवर्सिबल इंजन है जिसमें 180 किलो जूल वर्क किया गया है, नेट वर्क इसमें दिया हुआ है, टोटल जो वर्क किया गया है साइक्लिक जो वर्क हुआ है वो 180 किलो जूल वर्क किया गया है। ठीक है, उसके बाद 450 केल्विन पर टेम्परेचर कितना दिया, 450 केल्विन टेम्परेचर दिया, कितना दिया 450, लेकिन ये किसका है, सोर्स का। 415 केल्विन टेम्परेचर पे सोर्स से 360 किलो जूल एनर्जी अब्जॉर्ब की गई। आपको जो बताना है वो दो चीजें निकालनी है, सिंक का टेम्परेचर निकालना है और एफिशिएंसी निकालनी है। दोबारा सुन लो आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक रिवर्सिबल हीट इंजन है जिसके द्वारा
एक साइक्लिक वर्क किया गया जिसकी वैल्यू है 180 किलो जूल। इसने 450 केल्विन के सोर्स से 360 केल्विन किलो जूल एनर्जी अब्सॉर्ब की है। तो इसके लिए आप सिंक का टेम्परेचर बताओ और इस इंजन की एफिशिएंसी बताओ। आपके पास जो दिए हुए हैं हमने वो लिख लिए, ठीक है। अब हमें सोर्स का टेम्परेचर को किससे दिखा रहे थे हम? T2 से। याद करो, सोर्स के टेम्परेचर को हम किससे दिखा रहे थे? T2 से। सोर्स के द्वारा जो हीट अब्सॉर्ब की गई थी उसको हम किससे दिखा रहे थे? Q2 से। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई कि सोर्स के द्वारा अब्सॉर्ब हीट, आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या क्या दिया है हमें। सोर्स के द्वारा जो अब्सॉर्ब हीट है उसको तो हम किससे डिनोट करते हैं? Q2 से। हमारे पास Q2 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू है और W की वैल्यू है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम इस Q2 और W का यूज करते हुए किसकी वैल्यू निकाल लें, या तो हम किसकी वैल्यू निकाल लें? Q1 की वैल्यू। नीटा जो है वो हमारा आता है T2 माइनस T1 अपॉन T2, और ये आता है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, ठीक है। हमें क्या क्या दिया हुआ है? देखो, W हमने बोला था क्या होता है? Q2 माइनस Q1। W की वैल्यू क्या होती है? Q2 माइनस Q1। W दे दिया हमें, ये Q2 दे दिया, Q1 नहीं दिया है हमें। किसकी वैल्यू? यदि मुझे इस इक्वेशन से Q1 की वैल्यू आ जाएगी तो मेरे पास नीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास Q1 नहीं है अभी। मेरे पास Q1 नहीं है, यदि मैं इस फॉर्मूले से Q1 की वैल्यू निकाल लूंगी तो मेरे पास नीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे नीटा की वैल्यू आएगी मैं इस T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। तो क्या करूं? W कितना दिया हुआ है? 180 किलो जूल। Q2 कितना दिया हुआ है? 360 किलो जूल माइनस Q1। किसकी वैल्यू निकालनी है? Q1 की। Q1 को इधर ले आओ, Q1 प्लस में आ जाएगा, ये माइनस का था, Q1 प्लस में आ जाएगा। 360 माइनस 180, और किस फॉर्म में आएगी? किलो जूल में। दोनों की यूनिट भी सेम है इसलिए यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है आप लोगों को। Q1 की वैल्यू क्या आ गई? किलो जूल। जब हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई तो हम इस नीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नीटा क्या होगा आपका? नीटा कौन सी वैल्यू काम में ले मैं? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू फाइंड आउट, ये वाला ही ले। तो नीटा क्या हुआ आपका? Q2 हमारा है 360, Q1 है 180 और Q2 है 360। तो नीटा की वैल्यू यहाँ क्या आ गई? 180 अपॉन 360, क्या आया? 1/2। नीटा हमारे पास 1/2 आ गया। अब हमें किसका निकाल लिया? हमने नीटा निकाल लिया, एक प्रॉब्लम तो हमने कर ली सॉल्व। नीटा निकालने के लिए देखो हमने कौन सा फॉर्मूला काम में लिया? नीटा इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। यहां से हमने Q1 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लिया? W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। ये इससे हमने Q1 की वैल्यू निकाल ली, और इस Q1 और Q2 दोनों वैल्यूज को यूज करके हमने नीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। चलो आगे। अब देखो, नीटा हमारे पास है, T2 हमारे पास है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? T1 की। तो कौन सा फॉर्मूला काम में लूंगी मैं?
नीटा इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू। कौन सा फॉर्मूला काम में लूंगी? ये वाला फॉर्मूला काम में लूंगी। नीटा की वैल्यू क्या है? 1/2 इज इक्वल टू टी टू क्या है? 450। मैं इसको और आसान बनाने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 माइनस टी वन अपॉन टी टू, आसान बन जाएगा। ठीक है, इसको आप इस पोर्शन को उठा के इधर ले आओ और इस पोर्शन को उठा के इधर जाओ। जैसे इधर लेके गए, ये जो 1/2 है ये माइनस का बन जाएगा, तो टी वन अपॉन टी टू की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1 माइनस 1/2। क्या बना? 1/2। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? टी वन की। तो टी टू को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो टी वन क्या आएगा आपके पास? 1/2 × T2। और टी टू की वैल्यू क्या थी आपके पास? 450। तो टी वन क्या आ गया आपके पास? 1/2 × 450। टू से इसको करेंगे 225 केल्विन। कितना आया टी वन? 225 केल्विन। देखो अब इसको वापस रिपीट करवा रही हूँ एक बार, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको। क्या दिया हुआ है हमें? कि वर्क दिया हुआ है, कोई भी एक रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल दिया है, उसका एक साइक्लिक वर्क दिया हुआ है 180 किलो जूल। ये 450 केल्विन सोर्स से 360 केल्विन जूल एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, इतना सा दिया हुआ है। तो हमें पता है कि सोर्स के टेम्परेचर को हम T2 से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने T2 लिखा है। ठीक है, जिससे एनर्जी अब्सॉर्ब की जाती है उसको सोर्स कहते हैं, और उससे जो एनर्जी अब्सॉर्ब की गई उसकी वैल्यू हम Q2 से डिनोट करते हैं, तो हमें Q2 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा है कि सिंक का टेम्परेचर, तो सिंक का टेम्परेचर हम किस फॉर्म में लिखते हैं? T1 की फॉर्म में, और नीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको केवल W, T2 और Q2 दिया हुआ है, हमें नीटा निकालना और T1 निकालना है। ठीक है, अब हमें W, Q1 और Q2 के बीच में एक रिलेशनशिप पता है, कि हमें पता है कि जो W होता है वो Q2 माइनस Q1 होता है। अब इस रिलेशनशिप का यूज करके मैं किसकी वैल्यू निकाल लूं? Q1 की वैल्यू निकाल लूं। जब मेरे पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी तो मैं इस नीटा के इसमें Q1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दूं, Q1 की वैल्यू भी रख दूंगी और Q2 की वैल्यू भी रख दूंगी, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? नीटा की। देखो आप चाहो तो इस W को डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो, W अपॉन Q2, नीटा की वैल्यू निकल सकती है। और आसान बनाना है तो ये रिलेशनशिप से Q1 निकाल लो इसको। W क्या था आपका? 180। Q2 क्या था? 360। Q1 क्या था? -Q1 as it is। हमें Q1 निकालना है, Q1 निकालना है, तो Q1 तो इधर आ गया, ये क्या हुआ? 360 माइनस 180, कितना बचा? 180। तो Q1 180 है और Q2 360 है, तो नीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। ठीक है, ये नीटा 1/2 आया, तो ये वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे हम, नीटा इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू। इस रिलेशनशिप को यूज करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और वो वैल्यू कितनी आई है? 225 केल्विन। इस तरीके के आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एक और न्यूमेरिकल करा रही हूं, हम अब की बार हमें दक्षता दी हुई है, मींस उसकी एफिशिएंसी दी हुई है, और सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है, सीधा सीधा सा दिया हुआ है हमें। जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ है कि कोई कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी नीटा ये है, और वो इस टेम्परेचर के सिंक को एनर्जी देता है। तो सिंक के टेम्परेचर दे दिया हमें, क्या क्या दिया हुआ है हमें? नीटा की वैल्यू दी हुई है,
नीटा दिया हुआ है 0.524, 0.527, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि यदि सिंक का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सोर्स का टेम्परेचर निकालो। सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि किसी कार्नोट इंजन का की नीटा एफिशिएंसी दक्षता ये है, और यदि सिंक का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सोर्स का टेम्परेचर निकालो। किससे दिखाते हैं हम सोर्स के टेम्परेचर को? T2 से। अब देखो T1 को हम पहले केल्विन में चेंज करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 273 प्लस 25 ऐसे निकालते हो। डिग्री को केल्विन में चेंज करते हो तो कितना जोड़ते हो, 273, तो क्या बनेगा ये 298 केल्विन, ठीक है। अब देखो नीटा क्या था आपका, T2 माइनस T1 अपॉन T2। नीटा दिया हुआ है हमें 0.527 इक्वल टू, ये क्या बना, 1 माइनस T1 अपॉन T2। T1 की वैल्यू दी हुई है हमें, क्या निकालना है, T2 निकालना है। इसको तो क्या करूंगी मैं, इस T1 अपॉन T2 को इस साइड लेके जाऊंगी और इस पूरे पोर्शन को इधर लेके आऊंगी, ठीक है। तो मेरे पास T1 अपॉन T2 की वैल्यू आ गई 1 माइनस 0.527। क्या यार, T1 अपॉन T2 ये लगभग 0.5 के आसपास आएगा। ये जो वैल्यू अगर हम माइनस करेंगे तो ये आएगी आपको पास, एग्जैक्टली कर लो, 3.74.0, ठीक है। T1 हमें दिया हुआ है 298, किसकी वैल्यू निकालनी है, T2 की। ये T2 इधर भेज दो, ये यहाँ ले आओ, क्या बनेगा, T1 की जगह मैं वैल्यू रख रही हूँ 298 अपॉन 0.473, ये इक्वल टू आएगा T2। इसको सोल्व कर लेना, ये है सोर्स का टेम्परेचर। इस तरीके के आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब हम इसके आगे कल की क्लास में हम कार्नोट थ्योरम पढ़ेंगे। आज हमने कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी पढ़ी है, और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी नीटा होती है। नीटा की वैल्यू जो होती है वो T2 माइनस T1 अपॉन T2 होती है, और वो होती है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 होती है, और वो होती है W अपॉन Q2। ये तीनों फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, इन्हीं का यूज किया जाता है, ठीक है। T2 सोर्स का टेम्परेचर होता है, T1 सिंक का टेम्परेचर होता है, Q2 सोर्स से जो हीट अब्सोर्ब की जाती है उसकी वैल्यू होती है, Q1 जो सिंक को हीट दी जाती है वो है, W जो टोटल वर्क किया जाता है वो है, नीटा एफिशिएंसी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दो न्यूमेरिकल्स कराए थे उससे रिलेटेड। उसके बाद यदि आपके पास कुछ बुक्स अवेलेबल हैं जिनमें ये दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको कमेंट करके बताइए। थैंक यू।